3 इज फॉर रिपीटेड रूट्स. अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड रूट टर्म्स आ रही हो तो तब हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन कैसे करेंगे. सो फॉर एग्जांपल ये वाई ऑफ एस लप्लास है, न्यूमिरेटर पॉलिनॉमियल कुछ भी होगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक रिपीटेड रूट्स का फैक्टर है एस प्लस ए के मल्टीपल फैक्टर्स, लेट्स से के एन फैक्टर्स हो सकते हैं एंड डी ऑफ एस इज रिमेनिंग डिनोमिनेटर पॉलिनॉमियल जो कि डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं डिफरेंट. सो इन दैट केस इसकी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन कैसे होगी. देयर विल बी रेजिड्यू फॉर ईच फैक्टर, ईच टर्म ऑफ द फैक्टर. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंगल फैक्टर के लिए एस प्लस ए के लिए एक फैक्टर होगा, इसी तरह से नेक्स्ट डबल स्केयर पावर के लिए जो सा वो एक होगा फैक्टर एंड सो ऑन, इसी तरह से हम चलते रहेंगे. तो अगर हमारे पास जो सा रिपीटेड रूट ऑफ ऑर्डर 4 है सो बेसिकली वी विल गेट 4 रेजिड्यू पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन k1 k2 k3 एंड k4. सो एस प्लस ए, एस प्लस ए स्केयर, एस प्लस ए क्यूब एंड एस प्लस ए रेज टू पावर 4 अगर हमारे पास n 4 होता है तो. सो जितनी भी पावर ऑफ n होगी उतनी ही हमारे पास इन रिपीटेड रूट्स के केस में पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगी और उतने ही रेजिड्यूज हमारे पास आएंगे प्लस अदर. सो अदर में ये हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होगा डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे उनकी टर्म्स भी आगे इस तरह से रेजिड्यूज चलते जाएंगे. सो बाकी जो रिमेनिंग रेजिड्यूज है उनका तो तरीका इजी है जिस तरह से हम उसको पहले सॉल्व कर रहे थे. तो अब जो रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड है जिसको हमने अभी तक देखा है, सो रिपीटेड रूट्स के केस में अब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो इन दिस केस ये स्टेप हम दोबारा से देखते हैं इसको जो यहाँ टर्म है. सो फॉर दिस केस रिपीटेड रूट्स, अब रिपीटेड रूट्स के केस में जो रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड है, सो रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड जो कि हमने केस 1 में डिस्कस किया है दैट ओनली वर्क्स फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर रिपीटेड टर्म. सो अपने जो पहले जिस तरह से केस 1 में रेजिड्यूज 1, 2, 3 निकाले हैं, सो दैट मेथड ओनली वर्क्स फॉर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रूट, उसके रेजिड्यू को आप इस तरह से निकाल सकते हैं. ठीक है जी, रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड जैसा कि हमने पहले किया. लेकिन उससे कम पावर के जितने भी रूट्स हैं उनके रेजिड्यूज को आप इस तरह से रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड के थ्रू नहीं निकाल सकते. इसका जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको हम देखते हैं. सो वंस यू हैव फाउंड आउट ऑल द रेजिड्यूज, तो देन जो रिपीटेड रूट्स का केस है, रिपीटेड रूट्स के केस में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्ट हमारे पास रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जो कि ये है. सो इन दैट केस आप इस पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं. सो इन लाप्लास डोमेन आपके पास ये चीज है एंड देन इन टाइम डोमेन यू कैन सिंपली गो ऑन विद दिस. सो रिमेंबर के जब भी हमारे पास रूट्स की मल्टीपल पावर्स आती हैं, सो मल्टीपल पावर्स आने का मतलब है कि टाइम जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा टाइम डोमेन के अंदर एज अ कॉन्स्टेंट. ठीक है जी. सो एस प्लस ए रेज टू पावर, जैसे ही आपके पास रिपीटेड रूट्स का केस आएगा तो रिपीटेड रूट्स मीन्स देर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम इन टाइम डोमेन. सो टाइम की कोई पावर जो सा वो मल्टीप्लाई होगी लाजमी विद द इन टाइम डोमेन एज अ कॉन्स्टेंट विद अदर फैक्टर्स. ठीक है जी. सो इस फॉर्मूला को हम आगे डिटेल में देखते हैं. एक जनरलाइजेशन जनरलाइज जो सा वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन टाइम डोमेन फ्रॉम लाप्लास डोमेन. सो फॉर रिपीटेड टर्म्स, ऑल दीज रिपीटेड टर्म्स आप इस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूला को यूज करेंगे फॉर टाइम डोमेन. अब हम देखते हैं कि K1 और K2 जो रेजिड्यूज हैं ये हमने कैसे निकालने जो कि लोअर ऑर्डर ऑफ रिपीटिंग टर्म्स के हैं. ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड से निकल आएगा लेकिन जो लोअर ऑर्डर के हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर हम यही बात करें, सो ये हमारे पास वाई ऑफ एस है, तो यू सी एस प्लस टू के हमारे पास 3 जो सा वो फैक्टर्स हैं रिपीटेड रूट्स हैं. सो रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड विल ओनली वर्क फॉर K3. सो K3 के लिए वैल्यूएशन मेथड वर्क करेगा फॉर द हाईएस्ट पावर ऑफ द रिपीटेड रूट. सो सिंपली ये देखें जिस तरह से हमने K1 के अंदर रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड देखा है, सिंपली उसी तरह से हमने K3 को सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया. सो दिस इज K3 15. सो K1 K2 के लिए वी विल हैव टू डू नेक्स्ट स्टेप. सो अगर आप लेट्स से कि रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड के थ्रू ही चलते हैं K2 और K1 के लिए, फॉर एग्जाम्पल K2 के लिए आप क्या करते हैं कि इसी तरह से आप चलेंगे एस प्लस टू स्केयर को जो सा वो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं हर तरफ, यहाँ पे भी और इसके साथ भी, इधर भी और इधर भी. सो उससे क्या होगा,
सो बेसिकली उसका इफेक्ट ये आएगा कि अगर आप पूरी एक्सपेंशन को एस प्लस टू स्केयर या एस प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे सो डिनोमिनेटर में हमेशा जो सा वो फिर एस प्लस टू का एक फैक्टर रह जाएगा, जिसकी वजह से जब भी आप आगे रेजिड्यू वैल्यूएशन करेंगे एस की जगह माइनस टू पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर विल बिकम जीरो। सो डिनोमिनेटर के जीरो बनने से तो बेसिकली ये पूरी की पूरी टर्म्स जो सा वो क्या है इन्फिनिटी बन जाएंगे। सो इन दैट केस आप के वन और के टू को जो सा वो इनफाइनाइट कर रहे हैं, सो इन दैट केस इनको हम रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड के थ्रू नहीं निकालेंगे। सो फॉर के वन एंड के टू हम क्या करेंगे कि अब हम बेसिकली आप क्या करेंगे कि सो फॉर के वन के टू आप सिंपली के थ्री का जो फैक्टर है एस प्लस टू क्यूब, सो एस प्लस टू क्यूब होल क्यूब को आप बेसिकली जो सा वो इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट इक्वेशन है उसको जो सा वो डेरिवेट करेंगे। सो डेरिवेटिव लेंगे आप विद और विद रिस्पेक्ट टू एस। सो एस के हिसाब से आप जब डेरिवेटिव करेंगे सो यू विल गेट दिस इक्वेशन। सो वंस एक सिंगल डेरिवेटिव इस पूरी इक्वेशन का लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन रह जाएगी एंड फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट द के टू। तो के टू आप इससे निकालेंगे। सो इवेल्यूएटिंग जब आप इसी इक्वेशन को जो सा वो इवेल्यूएट करेंगे फॉर एट एस इज इक्वल टू माइनस टू सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के टू एज माइनस 16। ठीक है जी। सो होप्स हो गई आप सारा देख सकते हैं कि डेरिवेटिव आपने कैसे जो सा वो ट्रांसफॉर्म किया। सो ये टर्म भी कट हो जाती है सो ओनली डेरिवेटिव के लिए ये टर्म रह जाएगी। सो इन दैट केस यू विल ओनली गेट 8s। ओके एंड इधर भी डेरिवेटिव जो सा वो हर टर्म के ऊपर जो सा वो मल्टीप्लाई होगा। सो फॉर दिस फैक्टर यू कैन गेट डेरिवेटिव हेयर सो 2 पावर एंड एस प्लस 2 का फैक्टर आ जाएगा एंड देन डेरिवेटिव। सो कंप्लीट पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव कैसे लेना है उस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। के थ्री इज कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इस टर्म का डेरिवेटिव ओनली के टू रह जाएगा। सो इस तरह से हमने वंस एक दफा डेरिवेट करके के टू को फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली जब इसी इक्वेशन को आप अगेन एक दफा और डेरिवेट करेंगे सेकेंड टाइम डेरिवेट करने के लिए के बाद आपको के वन रेजिड्यू इसमें से मिल जाएगा। सो अगेन जब आप इस इक्वेशन को डेरिवेट करते हैं सो यू विल ओनली लेफ्ट विद 8s इज इक्वल टू 2k1। ठीक है जी। सो अगेन आप जो सा वो इस इक्वेशन को वंस मोर डेरिवेट करें और अगेन s इज इक्वल टू माइनस टू पे वैल्यूएट कर लें तो यू विल ऑल्सो गेट दी रेजिड्यू फॉर के वन। सो इन दैट केस अब रिपीटेड रूट्स के केस में हम इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे। सो इन रिपीटेड रूट्स केस हाईएस्ट जो आपके पास टर्म है उसका रेजिड्यू के थ्री रेजिड्यू वैल्यूएशन मेथड से निकलेगा एस के वन और के वन और के टू के लिए आप जो सा वो इस कंप्लीट इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे। सो एक दफा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेने पर आप के टू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड सेकेंड टाइम उसी इक्वेशन को फर्दर एक दफा और डेरिवेट करने के बाद आप के वन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन दिस वे फॉर द केस ऑफ रिपीटेड रूट्स के केस में हम इस तरह से रेजिड्यूज जो सा वो फाइंड आउट करेंगे। सो अब रिपीटेड रूट के केस में फाइनल हमारे पास जो है वो आउटपुट ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में आ चुका हुआ है। ये कंबाइंड था और इसके हमने देख लिया कि रेजिड्यूज हमने कैसे फाइंड आउट किए हैं। सो अब इसका जो इनवर्स लैप्लास लेना है और हमने टाइम डोमेन के अंदर जाना है सो वो किस तरह से अब हम परफॉर्म करेंगे। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहला केस देखते हैं। ये तो सिंपल है एज इट इज, जिस हमने पहले देखा है। सो 4 बाय एस प्लस 2 का जो आपके पास इनवर्स लैप्लास होगा सो दैट इज बेसिकली 4 मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट हो जाएगा और एस प्लस 2 जो है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इस पावर माइनस 2t। सो अब इन टर्म्स का जो कि रिपीटेड रूट की टर्म्स हैं इन दोनों टर्म्स का हम जो लैप्लास है इनवर्स लैप्लास वो बाय यूजिंग दिस फार्मूला लेंगे। सो इस फार्मूला में अगर इसको पुट करें सो जस्ट सी दिस टर्म सो माइनस 16 बाय एस प्लस 2 स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास अगर हम लेते हैं
So that inverse Laplace according to this formula becomes k n जो सा यहाँ पे minus 16 है, n यहाँ पे जो सा वो power square है 2, so 2 minus 1 1 1 factorial, so 2 minus 1 factorial t raised power 2 minus 1 and e raised power minus 80, so a यहाँ पे 2 है, so e raised power minus 2t. So ये complete जो सा वो basically इसका time domain formula बनेगा, time domain equation बनेगी. So it will become minus 16 t into e raised to power minus 2t. So इस पूरी term का जो है वो basically इस पूरी term का time inverse Laplace ये फैक्टर बनेगा. इसी तरह से अब हम जो सा वो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग जो ये थर्ड टर्म है इसका भी इनवर्स लैप्लास ले लेंगे, एंड दैट इनवर्स लैप्लास बेसिकली बिकम्स इनवर्स लैप्लास ऑफ 15 एस प्लस 2 क्यूब. So that will basically become 15 over 15 n यहाँ पे जो सा हमारे पास 3 है, so 3 minus 1 factorial t raised to power n minus 1 3 minus 1 and e raised to power minus 2t. So this equation will become this equation will become 15 by 2 t square e raised to power minus 2t. So basically ab is term ka jo sa wo hamare paas inverse Laplace aa gayi hai. सिमिलरली जो सेकंड टर्म थी इस सेकंड टर्म का जो सा वो इनवर्स लैप्लास हमारे पास ये बन जाएगा. और सिमिलरली जो फर्स्ट टर्म थी इसका इनवर्स लैप्लास ये हो गया. सो सिंपली बस अब इन तीनों टर्म्स को हम add karke time domain equation likh sakte hain. So final time domain equation will be, so this will be the final time domain equation for the case of the repeated roots. So ye repeated roots ke case mein final time domain equation hogi jo inverse Laplace transformation lene ke baad hame milegi.